नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर मचे हंगामे की, चुनावी चंदे पर हुए बड़े खुलासे की, बात करेंगे कांग्रेस के मोदी सरकार पर बड़े आरोपों की, उड़ीसा में बीजेपी को लगे बड़े झटके की, जानेंगे पश्चिम बंगाल में कैसे मुश्किल में फंस गई है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैलपो। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों को किया समर्पित। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के एस ईश्वरप्पा ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा निर्दलीय लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अब पीएम मोदी भी मनाने आ जाए तब भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग पूरी, वाम गठबंधन और एबीवीपी के बीच मुकाबला। और शेयर बाजार में तेजी, 190 अंकों की बढ़त के साथ 72,831 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 84 अंकों की बढ़त के साथ 22,096 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें ईडी ने कोर्ट में पेश किया, तो क्या बताया कोर्ट को ईडी ने और केजरीवाल के वकीलों ने दी क्या दलीलें, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की कथित आबकारी नियम में गड़बड़ी के मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी। सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दो बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए भेजे गए। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ये तय नहीं कर सकते हैं कि ईडी उनसे कब और कहां पूछताछ करेगी, और ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार भी नहीं है। ईडी की दलीलों से पहले केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड की मांग का विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी के टॉप 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कोर्ट से कहा कि अक्टूबर 2023 से समन जारी होने लगे थे। गुरुवार तक करीब 9 समन मिले। केजरीवाल ने सभी का उत्तर दिया। ईडी जांच करता है, लेकिन यहां ईडी अब जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गया है। रिमांड की शुरुआती लाइन में ही ईडी का छल और गलत बयानी दिखती है। इसमें केजरीवाल को आप प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया जा रहा। एडवोकेट चौधरी ने कहा, क्या ईडी चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रही थी ताकि केजरीवाल को रोका जा सके? एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला लेकर चुनाव आयोग पहुंच गया। चुनाव आयोग के सामने ये मामला उठाया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी गंभीर और व्यापक मुद्दा है। यह भारत के संविधान के मूल ढांचे से सीधा संबंध रखता है। संविधान कहता है कि कोई संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ होता है तो वह असंवैधानिक होता है। इस दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकांश दल के बड़े नेता मौजूद रहे। साफ है केजरीवाल के साथ पूरा इंडिया खड़ा हो गया है। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड के चंदे के खुलासे के बाद से बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा पूरा डाटा चुनाव आयोग को तो दे दिया था, और इस डाटा के सार्वजनिक होने के बाद अब बीजेपी मुश्किलों में फंसती दिखाई दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में विवाद पहले से भी तेज हो गए हैं। एसबीआई ने कोर्ट के सख्त आदेश पर चुनावी चंदे से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। इस बार इस विवरण में बैंक ने बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बताया है, जिससे पता चल गया है कि किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना चुनावी चंदा दिया, और चुनाव आयोग ने ये जानकारी सार्वजनिक भी कर दी। मामले में बीजेपी पहले से ही सवालों में घिरी हुई थी और अब ये सवालों के सिलसिले और तेज हो गए हैं। नए डेटा से खुलासा हुआ है कि टॉप 3 पार्टियों को आधे से ज्यादा चंदा 10 कंपनियों से मिला है। भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा और उसकी सब्सिडियरी वेस्टर्न यूपी पावर ने दिया है। इसने भाजपा को 664 करोड़ रुपए चंदा दिया है।
इस कंपनी ने बीआरएस को भी 390 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इस बार की जानकारी में ये सामने आया है कि बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से मिले 6060 में से 2228 करोड़ रुपए का चंदा टॉप 10 कंपनियों ने ही दिया है। इस विवरण में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। हैदराबाद की अरविंदो फार्मा के निदेशकों में से एक पी सरथ रेड्डी को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके 5 दिन बाद यानी 16 नवंबर को अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसके बाद एक बार फिर केंद्र में बीजेपी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप तेज हो गए हैं। बीजेपी को कैसे मिला दान ये सामने आ गया है, लेकिन अभी भी लोगों से बहुत कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सरकार के दबाव में देश के बड़े मीडिया ग्रुप ने कांग्रेस के विज्ञापन को प्रसारित करने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि इसमें बीजेपी को लेकर बड़े खुलासे किए गए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चाएं तेज है। बीते दिन एसबीआई ने नया डेटा चुनाव आयोग को सौंपा और चुनाव आयोग ने ये डेटा सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद बीजेपी पर सवालों की तलवार एक और बार लटक गई। एक बार फिर मोदी सरकार में ईडी जैसी केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग के इल्जाम लगने शुरू हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी के चंदे पर नहीं, ईडी के दुरुपयोग के साथ साथ मीडिया पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते आया है, और अब एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार में मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये वो विज्ञापन है जिसे हमने देश के तमाम बड़े अखबारों को भेजा, लेकिन एक भी बड़ा अखबार इस सच को छापने की हिम्मत न जुटा पाया। वजह आप जानते हैं, तानाशाह ने मीडिया को अपना गुलाम बना कर रखा है। अब मीडिया का एक ही नारा है, खबर वही जिसमें मोदी दिखे सही। कांग्रेस ने इस पोस्ट के साथ ही वो विज्ञापन भी साझा किया है। वहीं इस विज्ञापन में लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट, चंदा दो धंधा लो, बदल दो इस बार वसूली की सरकार। कांग्रेस के विज्ञापन ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, तो उसकी चिंता उड़ीसा में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की उड़ीसा को जीतने की उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। पुराने सहयोगियों को अपने पाले में लाने की मुहिम फेल हो गई है। AIADMK और अकाली दल के बाद अब बीजेपी को बीजू जनता दल ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत टूट गई है। बातचीत टूटने के पीछे सीटों के बंटवारे को मुख्य कारण माना जा रहा है। अब बीजेपी को ओडिशा में अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। बता दें कि पिछले कुछ समय से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी के एनडीए में शामिल होने को लेकर काफी अटकलें थी, लेकिन अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस को जो मजबूती मिली थी उसका सामना बीजेडी और बीजेपी नहीं कर पा रहे थे, और कांग्रेस के दबाव के चलते ही दोनों साथ साथ आने को मजबूर हुए थे। लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के चलते अब दोनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा में 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जा रहे हैं। एक और राज्य में बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता ही पार्टी को झटका दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के टकराव के चलते पार्टी उम्मीदवारों के नाम ही तय नहीं कर पा रही है। तो क्या है दोनों नेताओं के बीच का टकराव का कारण, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 14 नाम तमिलनाडु से और एक पांडुचेरी से है। इसके अलावा एक दिन पहले तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। पहले दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल की सीटों के उम्मीदवार भी घोषित किए जाएंगे, लेकिन राज्य बीजेपी की गुटबाजी के चलते मामला लटक गया। दरअसल राज्य बीजेपी की गुटबाजी के चलते पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला नहीं कर पा रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और राज्य के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय चुनाव समिति को अलग अलग सूची सौंपी है,
जिसमें अलग अलग उम्मीदवारों के नाम है। इस स्थिति में केंद्रीय चुनाव समिति को असहज बना दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान टल गया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के दोबारा मिदनापुर से चुनाव लड़ने पर संशय गहरा गया है। वो मिदनापुर लोकसभा सीट से सांसद है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर भारती घोष को मौका देना चाहते हैं, तो बीजेपी का एक गुट दिलीप घोष पर भी दाव लगाने का दबाव बना रहा है। साफ है कि चुनाव से पहले बंगाल बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी ने ये साफ हो गया है कि पार्टी के लिए यह मुकाबला आसान नहीं है। बीजेपी के लिए बंगाल में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मुश्किल में तमिलनाडु के राज्यपाल भी फंसते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था, जिसके बाद अब राज्यपाल ने ही यू टर्न मार लिया है, जिसे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत माना जा रहा है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु की सियासत में उठा बवाल शांत होता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु सरकार और गवर्नर के बीच का टकराव लगातार बना हुआ है। सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के कारण तमिलनाडु सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे डीएमके नेता पोनमुड़ी की मंत्री पद की शपथ पर संकट दिखाई दे रहा था। राज्यपाल पोनमुड़ी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार के बाद तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने यू टर्न मार लिया है और वो पोनमुड़ी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल पोनमुड़ी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और उनका मंत्री पद भी चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई। जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल से पोनमुड़ी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल पोनमुड़ी को शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस पर हैरानी जताते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुड़ी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी, और उन्होंने राज्यपाल के आचरण को चिंताजनक बताया। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्यपाल ने भी अपना फैसला बदल दिया और पोनमुड़ी को शपथ लेने का न्योता भेजा। पोनमुड़ी ने शुक्रवार 22 मार्च को दोबारा मंत्री पद की शपथ ले ली। अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी ने आज सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर के बदले रुख की जानकारी दी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपनी जिद छोड़ दी है और अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन मोदी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, क्या वे उसे छोड़ेगी? दरअसल मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कमल हासन ने उन्हें घेरा है। तो क्या कहा है कमल हासन ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 22 मार्च को सुल्तानपुर के एमपीएमएलए विशेष कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी थी, लेकिन कांग्रेस नेता पेशी के लिए हाजिर नहीं हो पाए, लेकिन कोर्ट ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख दे दी है। दरअसल 13 मार्च से अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही थी, जो अब तक खत्म नहीं हुई है। बार एसोसिएशन की इस हड़ताल के चलते कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ी। वहीं कांग्रेस सांसद ने भी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक का हवाला देते हुए कोर्ट से वक्त की मांग की थी। दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी के लिए 2 अप्रैल तक का वक्त दे दिया है। आपको बता दें कि 4 अगस्त 2018 को बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 20 फरवरी 2024 को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और 22 अप्रैल को उनका बयान विशेष कोर्ट में दर्ज किए जाने के लिए तारीख तय की गई थी, लेकिन अब ये तारीख 2 अप्रैल कर दी गई है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। जी हाँ, किसी को कर्मों से जेल तो किसी को अपने कर्मों से सत्ता का सुख मिल रहा है। सोचिए, अगर आज की तारीख में अगर अन्ना हजारे पहले की तरह का आंदोलन अगर करते तो अन्ना का वैरायटी अरविंद केजरीवाल के बगल वाला होता।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।